हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको सामने दिखाने वाले वेन्यू का SX मॉडल, जो कि काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी है। एक टॉप मॉडल से नीचे वाला मॉडल है, टॉप मॉडल SX ऑप्शन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं आगे से बात। आगे दे रखी है आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल, ब्लैक क्रोम फिनिश में दे रखी है और हुंडई का लोगो। अब चलते हैं इसके हेडलैम्प की तरफ। ये है इसके अंदर का प्रोजेक्टर हेडलैम्प, दो हेलोजन बल्ब दे रखे हैं और ये DRL काफ़ी ब्राइट है इसके DRL। और ऊपर दे रखा है इंडिकेटर, इसमें हेलोजन बल्ब दे रखा है आपको। नीचे की बात करें तो आपको दे रखा है प्रोजेक्टर हेलोजन फोग लैम्प। साइड में ये आपको एयर पास होने के लिए दे रखा है, डुअल टोन में दे रखा है, सिल्वर फिनिश ब्लैक एंड वाइट में, कुछ ऐसी लुक दिखती है आगे से। इसका काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, जिससे आपको ब्रेकर पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं इसके साइड की तरफ। कुछ ऐसे दिखता है इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करें इसके टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल दे रखा है इसमें 215/60/8/16 16 इंच के आपको व्हील मिलेंगे। इसमें व्हील कवर चढ़े हुए हैं, एलो व्हील की तरह थोड़े दिखते हैं। और आगे दे रखे आपको डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। बात करें इसके और VM की, तो आपको बॉडी कलर मिलेगा, साथ में LED इंडिकेटर। ये सिर्फ आपको SX मॉडल से ही मिलना स्टार्ट होता है। साइड से बात करें तो आपको को ड्राइवर वाली साइड आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर बटन नहीं मिलेगा, न चाबी लगाने कोई पोर्ट है। अंदर से बात करें तो आपको ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है ब्लैक में। ब्लैक इंटीरियर में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। साइड से देखने में आपको ऐसे दिखती है। अगर हम इसके बात करें एलॉय व्हील की, तो पहले आपको एलॉय व्हील दिया करते थे, अब आपको व्हील कैप देते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 45 लीटर का टैंक मिलता है इसके अंदर। आपको कंपनी वाले क्लेम करते हैं 21 की। पीछे से कुछ ऐसे दिखती है लुक। बात करें इसके टेल लैंप की, तो आपको LED इसके अंदर मिलेंगी और डायमंड टेल लैंप बोलते हैं इनको। और आपको हैलोजन इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखती है चलती हुई। अब इसके नाम की बात करें तो आपको वेन्यू सेंटर में देखने को मिलता है आपको, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। टर्बो इंजन की आपको बैचिंग मिलेगी। अब इसके बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको 350 लीटर का मिलेगा आपको, ऐसा कुछ बूट स्पेस है। इसमें आपको देखने को बूट लैंप भी मिलेगी पीछे की तरफ, जो कि रात में काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। अगर इसके टायर की बात करें तो आपको टायर मिलेगा 195/65/R15 15 इंच का आपको इसमें व्हील मिलेगा। और पार्सल ट्रे की बात करें तो इसके अंदर पार्सल ट्रे भी दे रखी है। अभी मैं रिमूव करके दिखा दूँ आपको, ऐसे दिखती है पार्सल ट्रे। जो भी आपका बूट में कुछ भी सामान हो, दिखेगा नहीं कुछ पार्सल ट्रे की वजह से। और 60/40 आपको सीट नहीं मिलती इसके अंदर। पीछे मिरर पर आपको मिलेगी अटैच लाइट। और ये है डोर हैंडल, जिससे आपको काफ़ी डिग्गी बंद करने में आसानी होगी। बात करें तो आपको इसमें पीछे कोई भी वाइपर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिफोगर मिलेगा आपको। अगर ऊपर की बात करें तो आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा आपको। और ये शार्क फिन एंटीना, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, गाड़ी की लुक को एनहांस कर देता है शार्क फिन एंटीना, सबकी फेवरेट सनरूफ। अब चलते हैं इसके नीचे की तरफ। बम्पर पे आपको दे रखा है रिफ्लेक्टर और इसी के अंदर आपको रिवर्स लाइट मिलती है देखने को। और ये डिज़ाइन तो दे रखा है कुछ। पीछे बम्पर पे आपको 3 टोन में मिलेगा, एक वाइट, सिल्वर एंड ब्लैक में। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर दिए गए, अगर 4 होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ ऐसे दिखते हैं देखने को। ये रही इसकी साइड प्रोफाइल, काफ़ी अच्छे लगते देखने में। बात करते हैं इसके रूफ रिल्स की, तो रूफ रिल्स आपको इसमें सिल्वर फिनिश में दे रखा है। और यहाँ पे कोई आपको विंडो गार्निश क्रोम में नहीं दी गई। बात करें इसके डायमेंशन की, तो 3995mm का लेंथ दे रखी है, 1770mm की व्रीद है। बाकी आपको फ्लैश हो रही होगी स्क्रीन पे। अब चलते हैं इसके की तरफ। ये है लॉक अनलॉक, ये है इसकी फ्लिप की। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। अब दिखाते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर, ब्लैक आपको ब्लैक टर में दिया गया है, ऐसा दिखता है इसका डोर। और ये आपको सिल्वर फिनिश में दे रखा है डोर हैंडल, जो इसमें ट्विटर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। स्विच को प्रेस करते हैं तो पहले अनफोल्ड होगा फिर फोल्ड होगा, काफ़ी बड़े ORVM दे रखे हैं इसमें। अब बात करते हैं इसके और कंट्रोल्स की, तो आपको 4 पावर विंडो दी गई है। ये है इसके लॉक एंड अनलॉक के बटन। ये आपको डोर ओपनर दे रखा है। डोर ट्रिम की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई लेदर फिनिश नहीं दी गई। नीचे की साइड आपको दे रखा है बोतल होल्डर, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप इसमें 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हैं। स्पीकर की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर दिए गए हैं इसमें। अब चलते हैं ड्राइवर साइड सीट, ये दे रखा है एडजस्टेबल दे रखा है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ, ऐसा दिखता है इसका स्टेयरिंग। अब बात कर रहे तो मीटर की, मीटर में आपको दे रखा है, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फंक्शंस है। ये रहा है इसका फ्यूल इकोनॉमी के, दिखाते हैं इसके और फीचर। अब राइट साइड का डोर खोला हुआ है तो शो कर रहा है डिस्प्ले पे,
ये रहा इसके फंक्शंस, एवरेज स्पीड कितने किलोमीटर चल चुकी है। लेफ्ट साइड में आपको दे रखा आरपीएम मीटर, राइट साइड में दे रखा स्पीडोमीटर, बीच में दे रखा आपको डीआईएस। अब बात करें इसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो 8 इंच का इन्फॉर्मेशन सिस्टम दे रखा है, काफ़ी अच्छे फीचर दे रखे हैं। जब बात करें तो जैसे एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले क्या होता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में कुछ भी चीज़ चलाते हैं यूट्यूब वगैरह, तो आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर आपको शो करेगा, आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हो उसको। जैसे आपने यूट्यूब चलाया तो उसको वहीं से कंट्रोल कर सकते हो। इसकी क्लिक भी काफ़ी अच्छी है, जैसे साउंड पे खोला आपको दिख गया है एक स्मूथली, इसकी टच बिल्कुल आराम से चलती है। अब जैसे अब दिखाते हैं डी आर वी एम अभी ओपन नहीं हुआ, बैक गेट डालते हैं तो जब चलेगा आपको, रुक एक सेकंड, अब बैक गेट डालते हैं इसका। ये रहा इसका बैक कैमरा व्यू, फ़ोन में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसा व्यू है इसका। अब नीचे की तरफ देखें तो आपने कंट्रोल दे रखे है, ये रहा इसका डाउन अप डाउन का, ये है वॉल्यूम बटन। नीचे की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी दे रखा है, ये रहा ऑटो, ये इसका टेम्परेचर सेट करने का अप एंड डाउन कंट्रोलर। अब बात करते हैं इसके और फीचर की, तो नीचे आपको दे रखा है इसमें 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी दे रखी है आपको। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको इसमें 6 मैनुअल ट्रांजिशन के साथ भी मिलता है, अगर आप इसका रिवर्स गियर डालेंगे तो आगे की तरफ डालेंगे नोब दबा के। ये रहा इसका व्यू, आपको हमने दिखा दिया है। यहाँ नीचे की बात करें तो आपको 2 कप होल्डर दे रखे हैं यहाँ पे, और ये रहा इसका आर्मरेस्ट, काफ़ी कम स्पेस है, सिर्फ आप इसमें मोबाइल डाटा केबल लगा सकते हो और कुछ नहीं। अब बात करें तो कोर ट्रैवल साइड, तो आप एक स्पेस दे रखा है मोबाइल रखने के लिए। नीचे आपको ग्लव बॉक्स दे रखा है जो कि कूल करता है, और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं आप इसके अंदर, और ये SRS की बैजिंग। इसमें सिर्फ 2 एयरबैग दे रखे हैं। बात करें तो उसके AC वेंट की, तो आपको सिल्वर फिनिश में दे रखे है। ARVM आपको मेन्यू मिलेगा, ऑटो डे नाइट नहीं मिलेगा। ऊपर से देखते हैं तो उसमें आपको दोनों साइड आपको हैलोजन लैंप मिलेंगे, सबकी फेवरेट सनरूफ, इंडियन फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सनरूफ। गाड़ी में बताऊँ तो मेरी फेवरेट है सनरूफ, मुझे भी अच्छा लगता है निकलना सनरूफ से बाहर, और ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, आराम से एक जना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखने को मिलता है आपको यूवी ग्लास जो कि काफ़ी सॉलिड है। अब बंद करते थे इसका सनरूफ का कवर, चलते हैं इसके वैनिटी मिरर पे। अब ड्राइवर वाली साइड आपको कोई वैनिटी मिरर पे मिरर नहीं दे रखा, को ड्राइवर वाली साइड आपको कोई लैंप नहीं मिलती देखने को, सिर्फ आपको मिरर ही मिलेगा, अब लैंप होती तो अच्छी होती। अब चलते हैं इसकी स्टेयरिंग की तरफ, स्टेयरिंग के नीचे आपको दे रखा है इसका हुक एडजस्ट करने के लिए, ये सिर्फ आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता इसके अंदर। अब चलते हैं इसके स्टेयरिंग कंट्रोल की तरफ, लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे कॉल उठाने का दे रखा है मोड, और ये वॉल्यूम का अप एंड डाउन बटन, ये देखो वॉल्यूम एडजस्ट हो रहा है से। राइट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे मीटर के कंट्रोलर दे रखे हैं, क्रूज बटन भी इसमें ऐड किया गया है। अब ऊपर की बात करें लेफ्ट साइड में तो आपको वाइपर के कंट्रोल दे रखे हैं, राइट साइड में आपको दे रखे हैं हेडलैम्प के कंट्रोल, राइट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। नीचे की साइड में जो बटन दे रखा है स्क्रॉल करने के लिए दे रखा है, जिससे आप अपनी लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की साइड देखा तो आपको बोनेट ओपनर मिला हुआ है। चलते हैं इसके इंजन की तरफ, आपको इसमें 2 इंजन दिए गए हैं, पहला तो 1.2 नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन है जो कि 83 PS की पावर जनरेट करेगा, 114 Nm आपको टॉर्क देगा इसके अंदर, आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ में मिलता है। अब बात करें इस वाले जो अवेलेबल आपको दिखा रहा मैं मॉडल, इसकी बात करूं तो इसमें कौन सा इंजन दे रखा है, इसमें टर्बो इंजन दे रखा है, 1.0 लीटर का टर्बो कापा पेट्रोल इंजन, 120 PS की आपको पावर जनरेट करेगा, 172 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा, काफ़ी अच्छा टॉर्क है इसके अंदर, एकदम से आप पिकअप काफ़ी हाई है इसका। और बात करें इसका कौन सा मैनुअल ट्रांजिशन है, 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांजिशन मिलता है इसके अंदर, आपको 6 गियर मिलेंगे, टर्बो GDI की आपको इसके अंदर बैचिंग मिलेगी, ये आपको दिख रहा है ऐसा इंजन, ऐसी कोई दिखती है कार। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ, पीछे से कुछ ऐसी दिखती है इसका डोर, पीछे भी आपको ब्लैक फिनिश मिलेगा, वही सिल्वर कलर का डोर हैंडल, पावर विंडो का स्विच, ये कुछ स्पेस। नीचे की साइड बात करें तो आपको नीचे साइड में मिलेगा आपको बोतल होल्डर, इसमें आप आधे लीटर 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर दिए गए इस कार में। अब बात करें इसके सीट की, तो सीट कुछ ऐसी दिखती है फाइबर में, कंफर्टेबल तो हाँ मतलब थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है, अगर लेदर फिनिश में दी हुई थी तो काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे आपको दे रखे AC वेंट सिल्वर फिनिश में, इसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, ये कुछ ऐसा स्पेस है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली ड्राइवर सीट सेट कर रखी है, कुछ ऐसी दिखती है अंदर से कार पीछे से, कोई आपको इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता देखने को, फाइबर की सीट मिलती है आपको। पीछे की सीट पर मिलेंगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऊपर की बात करें तो आपको फोल्डिंग ग्रिप दे रखी है, छत की बात करें तो आपको बेज कलर की मिलती है, और ये छत पे आपको एक लैंप मिलती है पीछे के साइड। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार को ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।